हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन की यूनिट फिफ्थ से महाश्वेता देवी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं महाश्वेता देवी के लाइफ एंड वर्क्स को डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने वो वीडियो न देखा हो तो बीए फोर्थ सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑफ महाश्वेता देवी। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न ऑन डैश 1926। महाश्वेता देवी का जन्म 1926 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेट पूछी गई है तो 14 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न ऑन 14th जनवरी 1926। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाश्वेता देवीज स्कूलिंग बिगेन इन द ईयर, यानी महाश्वेता देवी का जो स्कूल है वो शुरू हुआ था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाश्वेता देवी डाइड ऑन डैश 2016, यानी महाश्वेता देवी की मृत्यु 2016 में हुई, तो यहाँ पर डेट पूछी जा रही है तो 28 जुलाई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी, यानी महाश्वेता देवी डाइड ऑन 28th जुलाई 2016। क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द हंट, ये जो स्टोरी है जिसका नाम हंट है उसके प्रोटागोनिस्ट कौन है? तो मैरी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो मैरी है वो हंट स्टोरी की सेंट्रल करेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैरी इज इन लव विद, मैरी को किसके साथ प्यार होता है? तो जो जालिम है इज़ द राइट आंसर, यानी मैरी जालिम के साथ प्यार करती है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैरी थ्रोज द डेड बॉडी ऑफ कलेक्टर सिंह इन टू द, यानी जो मैरी है वो कलेक्टर सिंह की बॉडी को कहाँ थ्रोज कर देती है, कहाँ पर फेंक देती है? तो रिवाइन, रिवाइन का मतलब नाला होता है, यानी जो मैरी है कलेक्टर सिंह की बॉडी को रिवाइन में फेंक देती है, एक नाले में फेंक देती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विकनी इज मैरिज, विकनी मैरी की क्या लगती है? तो विकनी मैरी की माँ है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, मैरी वॉज द इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ डैश सन, जो मैरी है किसकी इलेजिटिमेट डॉटर है? तो डिक्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, डिक्सन्स सन सोल्ड द एस्टेट इन द ईयर, डिक्सन के सन ने एस्टेट को कब बेच दिया था? तो जो इसका राइट आंसर है 1959, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, मैरी ऑलवेज कैप्ट, मैरी हमेशा अपने पास रखती है डैश विद हर, क्या रखती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैचेट। मैचेट इज़ अ काइंड ऑफ, एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है, जो मैरी है एक मैचेट हमेशा अपने पास रखती है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, प्रसाद लिव्ड विकनीज ऑन डैश बेसिस, जो प्रसाद है विकनी को किस आधार पर अपने पास रखता है? तो सैलरी बेसिस, यानी सैलरी के आधार पर उसको वह रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, कलेक्टर सिंह कम्स टू द विलेज, कलेक्टर सिंह विलेज गांव आते हैं डैश टू बाई वुड्स, लकड़ियां खरीदने के लिए किस गांव में आते हैं? तो उस गांव का नाम था करूदा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तोहरी इज आ, इस स्टोरी में हंट में तोहरी क्या है? तो जो तोहरी है एक लो हिल है,
यानी नीचे की एक पहाड़ी है लोहेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मैरी बॉट चिकन्स एंड लिक्वर बोटल। जो मैरी है चिकन और लिक्वर बोटल को बेचती है, बॉट खरीदती है, फॉर द वोमेन ऑन द डे ऑफ द, किस दिन खरीदती है? तो द हंट इज द राइट आंसर। हंट का मतलब होता है शिकार के दिन मैरी चिकन और लिक्वर बोटल्स को खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टोरी द हंट इज रिटन बाई, ये जो स्टोरी है हंट किसके द्वारा लिखी गई? तो महाश्वेता देवी के द्वारा ये स्टोरी हंट लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन, महाश्वेता देवी पैदा हुई थी कहाँ पर? तो ऑप्शन बी डेका, इसे हम ढाका कहते हैं, डेका को। क्वेश्चन नंबर 17, महाश्वेता देवी ओरिजिनली रोट, महाश्वेता देवी ने ओरिजिनली रोट मतलब किस भाषा में लिखा? तो बंगाली भाषा में महाश्वेता देवी लिखती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हंट वॉज पब्लिश्ड इन एन एंथोलॉजी, हंट एक एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी और उस एंथोलॉजी का नाम क्या था? तो उस एंथोलॉजी का नाम था इमेजिनरी मैप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मेन प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी, यानी स्टोरी का जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है? तो आपने दोस्तों स्टोरी पढ़ी है, मैरी इज द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मैरी, मैरी का पूरा नाम क्या था? तो मैरी का पूरा नाम था मैरी ओरन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीज फादर, मैरी के पिता का नाम क्या है? तो मैरी के पिता का नाम था डिक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीज मदर, यहाँ पर मैरी की मदर का नाम पूछा गया है, तो आपको पता है मैरी की मदर का नाम विकनी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मैरी एंड हर मदर वर्कड फॉर, मैरी और उसकी माँ किसके लिए काम करती थी? तो प्रसाद जी के लिए ये दोनों काम करती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ ओल्ड इज मैरी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में मैरी की उम्र क्या है? तो 18 ईयर्स ओल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, इन विच मार्केट डज मैरी सिट टू सेल हर गुड्स, यानी किस मार्केट में जो मैरी है अपने गुड्स सामान को बेचने के लिए बैठती है? तो तोहरी मार्केट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मैरीज फादर डिक्सन माइग्रेटेड टू, मैरी के पिता जो डिक्सन थे वो कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 27, हु हैरिसिस एंड स्टॉल्क्स मैरी, कौन उत्पीड़न और मैरी का स्टॉल्क पीछा करता है? हैरिसिस मतलब होता है उत्पीड़न करना और स्टॉल्क्स मतलब पीछा करना। तो स्टोरी आपने पढ़ी है, जो तहसीलदार है ये मैरी के साथ उत्पीड़न करता है और उसका मार्केट में पीछा किया करता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन मैरी डज मैनी कीप, कौन सा नीचे दिए गए वेपन्स में से मैरी अपने पास रखती है? तो ऑप्शन नंबर डी ए मैचेट। क्वेश्चन नंबर 29, टू होम डज मैरी किल इन द एंड, किसको मैरी लास्ट में मार देती है? तो तहसीलदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैरी प्लान्स टू मैरी, मैरी किसके साथ शादी करने की योजना बना रही है? तो जालिम इज द राइट आंसर, मैरी जालिम से प्यार करती थी इसलिए जालिम के साथ शादी करने की योजना बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके MCQs क्वेश्चन महाश्वेता देवी से, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।